नाउ हियर दिस इज चैप्टर 8 हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हमको यहाँ पढ़ने हैं दैट इज़ अबाउट बेसिक हॉर्टिकल्चर। बेसिक हॉर्टिकल्चर में हमको फर्स्ट क्वेश्चन हमको पढ़ना है द टर्म हॉर्टिकल्चर इज डेराइव्ड फ्रॉम। हॉर्टिकल्चर जो टर्म है ये किस लैंग्वेज से डेराइव्ड है, दैट इज आंसर इज लैटिन। एंड रिमेंबर दिस थिंग, जिनके लास्ट में कल्चर लगता है लाइक हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, तो ये सारे ही हमारे जो टर्म्स हैं ये लैटिन लैंग्वेज से डराइव्ड होते हैं। तो याद रखना है हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑर्नामेंट प्लांट्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ये सारी चीज़ों की जो साइंस होती है इट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। तो हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में देखा कि हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो कि हॉर्टस प्लस कल्चरा से बना है। ओके और इसके अंदर हम किन की स्टडी करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फूड के प्रिजर्वेशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट क्रॉप्स की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो उसको हम बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म पोमोलॉजी डेराइव फ्रॉम। अब ये पोमोलॉजी किससे डेराइव हुआ है, आंसर इज ओके। यहाँ पे जो आंसर है वो थोड़ा इनकरेक्ट है। पोमोलॉजी जो शब्द है ना, ये पोमोलॉजी पूरे हॉर्टिकल्चर में इकलौता ही ऐसा वर्ड है, इकलौता ऐसा टर्म है जो कि ग्रीक लैंग्वेज प्लस लैटिन लैंग्वेज का मिक्सचर है। ओके इसको उल्टा लिख दिया है, दैट इज़ पोमोलॉजी डेराइव फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक। बात ये कि लैटिन ग्रीक या ग्रीक लैटिन, पर जो उसमें पोमो शब्द है, पोमो शब्द लैटिन है और लॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक है। वैसे जनरली होता क्या है, जिनके लास्ट में लॉजी आता है LOGY लॉजी, वो वर्ड्स जो होते हैं जनरली ग्रीक वर्ड होते हैं। ये आपको याद रखना है, जनरली जिन शब्द के लास्ट में लॉजी आता है जैसे पोमोलॉजी, तो ठीक है पोमोलॉजी एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें लैटिन ग्रीक दोनों आता है। लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ऐसे शब्द जिनके लास्ट में लॉजी आता है जैसे इंटिमोलॉजी, ओके तो ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं हमारे, लेकिन एक्सेप्शन है पोमोलॉजी। तो आपको पोमोलॉजी में ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर थोड़ा इनकरेक्ट है, सिर्फ लैटिन नहीं होगा। पोमोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। पोमोलॉजी में लैटिन ग्रीक दोनों का मिक्सचर है। पोमो लैटिन वर्ड से बना है, पोमो का मतलब होता है फ्रूट्स, और जो लॉजी है वो हमारा ग्रीक वर्ड है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल क्रॉप्स। अभी हमने फ्रूट क्रॉप्स को देखा, फ्रूट क्रॉप्स की साइंस को हम बोलते हैं पोमोलॉजी। वहीं अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की तो वेजिटेबल क्रॉप की साइंस को हम बोलते हैं ओलेरिक कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन द साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हम हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को जब ग्रो करेंगे दैट इज़ नोन एज फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन अ मैथड बाय विच फूड इज कैप्ट आउट फ्रॉम स्पॉइलेज आफ्टर हार्वेस्ट। तो फूड को स्पॉइलेज से बचाने की जो साइंस होती है दैट मैथड इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। जिसमें हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि कुछ फिजिकल केमिकल मैथड्स का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा फूड है वो स्पॉइल होने से बचे। स्पॉइल का सीधा सीधा मतलब है माइक्रोब्स का अटैक, ठीक है। तो हमारा जो फूड होता है उसमें माइक्रोब्स का अटैक को बचाने के लिए हम जो भी मेथड यूज़ कर सकते हैं दैट कम्स अंडर द फूड प्रिजर्वेशन। लाइक हम उसको हीट कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं, ड्राई टेम्परेचर पर रख सकते हैं, कोल्ड टेम्परेचर पर ट्रीट कर सकते हैं। दे आर सम मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द सेनेसेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जब भी कोई फ्रूट और वेजिटेबल सेनेसेंस में आता है, सेनेसेंस का मतलब होता है ओल्ड एज, ठीक है। जब ओल्ड एज आ जाती है यानी जब कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल प्लांट्स में लगा होता है और वो पेड़ में ही लगा है, वो ओल्ड होने लगा है, तो उस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होता है फिनोमेना दैट इज रिस्पायरेशन। ओके रिस्पायरेशन होता क्या है, जनरली रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी कैसे रिलीज हुई, ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है।
जो भी हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, हमारे या प्लांट्स किसी की बॉडी में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, उनका जब ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये सारी जब ब्रेक डाउन होगी तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ATP की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होगी ये इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स एक्सपीरियंसिंग सडन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। देखो फ्रूट्स में राइपनिंग होती है यानी वो फल जो है वो पेड़ में लग के पकने लगता है, तो जब उसकी राइपनिंग होती है तो उसमें सडनली हम देखते हैं कि उसका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। तो अगर राइपनिंग के दौरान, याद रखना है, राइपनिंग के दौरान अगर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है उस प्रोसेस को, ये उस तरीके के फ्रूट्स को हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। सिंपल एज अ लेमैन भाषा में आपको याद रखना है कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो पेड़ से तोड़ने के बाद भी पक सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंगो है, अगर फॉर एग्जांपल मैंगो को हमने पेड़ से तोड़ लिया, अलग करा, उसके बाद भी चांसेस हैं कि उसमें राइपनिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के फ्रूट्स हमारे क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं, यानी उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता रहता है, राइपनिंग में आने के बाद भी अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, दैट इज़ वाई कि वो क्लाइमेटिक फ्रूट्स हैं। अब क्लाइमेटिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंगो, बनाना, गुआवा, पपाया, जैक फ्रूट, सपोटा, एप्पल, दे ऑल आर क्लाइमेट्रिक फ्रूट। समझ रहे हैं, मैंगो, बनाना, गुआवा, इन सारी फ्रूट्स को अगर हम प्लांट से प्लग कर दें, प्लांट से डिटैच कर दें, तोड़ लें, तो इनका क्या होगा, ये स्टिल चांसेस हैं कि ये राइपनिंग कर सकते हैं, बिकॉज राइपनिंग के दौरान इनका जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है वो इंक्रीज होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हमने क्लाइमेट्रिक पढ़ा है तो हमको नॉन क्लाइमेट्रिक भी पता होना चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा, फ्रूट एक्सपीरियंसिंग सिंपल ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। तो हमें दो बात याद रखनी है यहाँ पे, कि अगर हमारा फ्रूट राइपनिंग में आ रहा है तो उसका रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज हो रहा है या उसका रेट ऑफ रिस्पायरेशन घट रहा है। अगर राइपनिंग के साथ उसका रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज होगा तो वो हमारा क्लाइमेट्रिक फ्रूट होगा, अगर राइपनिंग के साथ उसका रेट ऑफ रिस्पायरेशन घट रहा है तो वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। अब नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के एग्जाम्पल्स देखते हैं, लीची, लेमन, सिट्रस, ग्रेप्स, बेर, पाइनएप्पल, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल अच्छे से नहीं याद रहते तो आप उसको नोट डाउन कर लो, दैट इज़ लीची नॉन क्लाइमेट्रिक है, लेमन, सिट्रस जितने भी हैं हमारे सिट्रस फैमिली के, इसके अलावा ग्रेप्स, बेर, पाइनएप्पल, ये सारे ही हमारे नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब कि राइपनिंग के दौरान इनका रेट ऑफ रिस्पायरेशन घटता है, डिक्रीज होता है, डिक्लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन कंट्रोल्स द शेप ऑफ प्लांट। प्लांट की शेप को कंट्रोल करने के लिए वी कैन डू ट्रेनिंग। ठीक है, दो चीज़ होती हैं, ट्रेनिंग होती है, प्रूनिंग होता है। ट्रेनिंग जनरली हम शेप को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, और ये जनरली हम करते हैं, ट्रेनिंग कब होती है आपकी, जब आप किसी जॉब में जाते हैं तो आपकी शुरुआत में ट्रेनिंग होती है ना, इनिशियल स्टेज में, तो यहाँ पे भी इनिशियल स्टेज में ही होती है। प्लांट से केस में भी हम ट्रेनिंग जो करेंगे इनिशियल करते हैं, शुरुआती दौर पे हम जो करेंगे दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली यूज ट्रेनिंग सिस्टम फॉर कमर्शियल फ्रूट्स। तो सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मॉडिफाइड लैडर सिस्टम। मॉडिफाइड लैडर सिस्टम हम बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स में यूज़ करते हैं, ये एक पार्ट है ट्रेनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमूवल ऑफ एनी एक्सेस और अनडिजायरेबल अनप्रोडक्टिव ब्रांचेस शूट और एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड प्रूनिंग। प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों को रिमूव करना है, जो चीज़ हमारे काम की नहीं होगी, अनडिजायरेबल होगी, उसको हम रिमूव करेंगे। और ये अनडिजायरेबल हमारे लिए क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कहीं पे प्लांट ग्रो हो रहा है उसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा एक्सेस है, यानी ओवर क्राउडिंग हो गया, उसको हमें अनवांटेड ब्रांचेस को हटाना होगा। समटाइम्स शूट्स भी हो सकती हैं या फिर प्लांट्स का कोई दूसरा पार्ट भी हो सकता है जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती जा रही है लेकिन वो ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, वो अनडिजायरेबल है। उस केस में जब हम उस अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करेंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे प्रूनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडिंग बैक एंड थिनिंग आउट आर एसोसिएटेड विद प्रूनिंग। तो ये प्रूनिंग के टाइप्स हैं, हेडिंग बैक करना या थिनिंग करना।
दे आर प्रूनिंग। जैसे हमने ट्रेनिंग पढ़ा था, ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मॉडिफाइड लेटर सिस्टम। प्रूनिंग में हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं हेडिंग बैक एंड थिनिंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन पिट साइज फॉर फ्रूट प्लांटिंग। फ्रूट्स की प्लांटिंग का पूछा गया है यहाँ पे, तो फ्रूट की प्लांटिंग में हम जनरली यूज़ करते हैं 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। इनका मतलब है लेंथ, ब्रेथ और हाइट से, यानी यहाँ पे हमारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हमारा 1 मीटर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ फ्रूट प्लांटिंग। सबसे सिंपल जो फ्रूट प्लांटिंग का सिस्टम है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया अबाउट लेआउट। ठीक है, लेआउट के लिए आपसे पूछा गया है कि जब भी हम फ्रूट्स की प्लांटिंग करते हैं तो सबसे सिंपल सिस्टम या सबसे सिंपल लेआउट कौन सा है। तो सबसे सिंपल अपने पास है स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारी लेंथ, ब्रेथ या हम कह सकते हैं हमारी चार साइड्स होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम प्लांट्स को यहाँ पे ग्रो करते हैं। ओके, तो ये हमारा सबसे सिंपल है, देख सकते हैं आप, स्क्वायर सिस्टम इज द सिंपलेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लांटिंग सिस्टम अ ट्री इज प्लांटेड ऑन अ कॉर्नर ऑफ ईच एंगल। कॉर्नर ऑफ ईच एंगल्स, हर एक एंगल के कॉर्नर में अगर हम प्लांट लगाएंगे उसको बोलेंगे हम ट्रायंगल सिस्टम, दैट इज नोन एज ट्रायंगल सिस्टम। ठीक है, ये कॉर्नर्स के जो एंगल्स बनते हैं यहाँ पे अगर हम प्लांट लगाएंगे दैट इज नोन एज ट्रायंगल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलर ट्री टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद। फिलर ट्री टेक्नोलॉजी होता क्या है, ये होता है हमारा क्विंकन सिस्टम में। क्विंकन सिस्टम में क्या होता है कि हम जो प्लांट्स लगाते हैं इस तरह के लगाते हैं, और यहाँ पे स्पेस होने के कारण हम एक बीच में भी प्लांट लगाएंगे, तो जो हमारा सेंटर वाला प्लांट होता है जो एकदम सेंटर में मिडिल में बीच में लगा है दैट इज़ नोन एज, उसी को हम बोलते हैं हमारा फिलर प्लांट या फिलर ट्री या फिलर प्लांट। ओके, तो ये फिलर टेक्नोलॉजी हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं इस वाले सिस्टम में, दैट इज क्विंकंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रूनिंग प्रोसेस इन विच अ सर्कुलर रिंग ऑफ बार्क मेजरिंग अबाउट 3 सेंटीमीटर इन डाई 3 सेंटीमीटर इन लेंथ इज रिमूव्ड। ओके, ये एक तरह का इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, प्रूनिंग मेथड जिसको हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ लिखा है प्रूनिंग मेथड। प्रूनिंग का मेथड मतलब कि यहाँ पे हम अनवांटेड या अनडिजायरेबल चीज़ को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था प्रूनिंग में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सर्कुलर रिंग या बार्क की फॉर्म में जो प्लांट होता है उसका कुछ हिस्सा रिमूव कर देंगे। सपोज ये हमारा प्लांट है और प्लांट का जो मेन ट्रंक है या स्टेम है उसका हम 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, इसको हमें रिमूव करना है, पर ये रिंग की फॉर्म में है, तो जब ये रिमूव होकर आएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, रिंग की फॉर्म में हमने इसको रिमूव कर दिया है, इस मेथड को हम बोलेंगे रिंगिंग एंड गर्डलिंग। क्या बोलते हैं, रिंगिंग एंड गर्डलिंग। जनरली जो मेथड होता है रिंगिंग गर्डलिंग का, ये हम यूज़ किस क्रॉप में करते हैं, वी कैन यूज़ दिस मेथड इन ग्रेप्स। हम अपनी अंगूर की फसल के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट हैज़ हाइएस्ट विटामिन ए। सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, विटामिन ए की अगर बात हो रही है तो उसका हम साइंटिफिक नेम भी देख लेते हैं, साइंटिफिक नेम जो थोड़ा मुश्किल होता है। तो विटामिन ए हमारी आँखों के लिए अच्छा है, इट इज़ गुड फॉर आवर आई। और आँखों में हमारे क्या पाया जाता है, हमारी जो आँखें होती हैं उसके अंदर पाया जाता है एक जगह जहाँ पे हमारी इमेज बनती है, उस जगह का नाम है रेटिना। तो देखा जाए तो हमारी आँखों के लिए हमारी रेटिना से कनेक्ट करता है, तो इसीलिए विटामिन ए का जो नाम है रेटिना से जोड़ के आप बना लो रेटिनॉल। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ रेटिनॉल। ओके, और अगर हम विटामिन ए प्रॉपर नहीं खाएंगे तो इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाती है, याद रखना है आपको, विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो डिफिशियंसी को हम क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी में हमको हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ध्यान रखना है विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। दूसरा याद रखना है ज़ीरोफ थैलमिया,
जीरोफ्थैल्मिया में क्या होता है कि हमारी जो आँखें होती हैं वो ड्राई होने लगती हैं, ड्राइनेस आ जाता है, दैट इज़ नोन एज जीरोफ्थैल्मिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा वाइटामिन ए हाइएस्ट किस में होता है, दैट इज़ मैंगो में। फ्रूट्स क्रॉप की बात हो रही तो सबसे ज़्यादा वाइटामिन ए होता है हमारा मैंगो में। इसके अलावा सेकेंड जो आता है वो आता है हमारा पपाया, दैट इज़ पपाया। और देखा जाता है कि जितने भी जनरली ऑरेंज फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, ऑरेंज जैसे पम्पकिन, उन वाले फ्रूट्स में या उन वाले वेजिटेबल्स में वाइटामिन ए ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्राफ्टिंग इज यूज फॉर द रिपेयरिंग द प्लांट्स। कौन सी ग्राफ्टिंग है जो प्लांट्स को रिपेयर करने में यूज़ होती है? याद रखें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में भी पूछा गया था कि कौन सी ग्राफ्टिंग है जो जिसको हम रिपेयर ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं या रिपेयर करने में यूज़ करते हैं। तो आपको वहाँ पे चार ऑप्शंस दिए थे तो उसका राइट आंसर होता है ब्रिज ग्राफ्टिंग। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी ग्राफ्टिंग रिपेयर ग्राफ्टिंग कहलाती है, दैट इज़ ब्रिज ग्राफ्टिंग। अब हम आते हैं अपने पार्ट सेकेंड में जो है कल्टिवेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स। तो अब हमको इम्पॉर्टेंट जो हमारे फ्रूट क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, उनकी जो कल्टिवेशन प्रैक्टिस होती है, डिटेल में नहीं बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही डिस्कस करना है। तो शुरुआत यहाँ पे होती है हमारी मैंगो से। मैंगो से क्यों? बिकॉज ये हमारा इंडिया का बहुत ही फेमस फ्रूट क्रॉप है और फेमस होने के साथ साथ इसको हमने नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया का दर्जा भी दिया है। याद रखना है मैंगो इज़ अवर नेशनल फ्रूट। जिनको नहीं पता है वो नोट कर लो कि मैंगो को हम नेशनल फ्रूट बोलते हैं। बट इसके अलावा इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि मैंगो नेशनल फ्रूट तो है साथ साथ में फलों का राजा भी है, तो इसको हम किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी बोलते हैं, किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स। याद रखना मैंगो जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फ्रूट है, याद रखना ट्रॉपिकल क्लाइमेट फ्रूट है, इसलिए हम इसको किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट कहते हैं। इसके अलावा इसके और भी नाम होते हैं जैसे नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट एंड तो यहाँ पे तो लिखा भी है वैसे, यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर देखें मैंगो ऑल्सो नोन एज, तो मैंगो को हम किंग ऑफ फ्रूट या किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, बाथरूम फ्रूट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको एक और नाम है, दैट इज सिंबल ऑफ लव, ठीक है, प्यार का प्रतीक सिंबल ऑफ लव है। इसके अलावा इसको प्राइड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया, ओके। तो ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हमने इसके जो लोकल नाम होते हैं, कॉमन से नाम, वो तो हमने जान लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका साइंटिफिक नेम या बोटैनिकल नेम जो है मैंजीफेरा इंडिका। बहुत सिंपल है, सबको याद हो जाता है आसानी से, बिकॉज मैंगो मैंजीफेरा कनेक्ट कर सकते हैं और इंडिया इंडिका, ओके। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो नोट कर लो, मैं ऐसी नहीं बता रही हूँ, उसका जो ओरिजिन है वो इस बुक में यहाँ पे दिया नहीं है। इस बुक में जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिस है, तो उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को आप नोट करो। अगर हम बात करते हैं मैंगो के ओरिजिन की, तो मैंगो का ओरिजिन आप याद रखो राइज है, आपने पढ़ा था राइस पैडी के बारे में, पैडी का जहाँ ओरिजिन हुआ है वहीं पे इसका ओरिजिन हुआ है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका ओरिजिन, याद रखना मैंगो और राइस का ओरिजिन हुआ है साउथ ईस्ट एशिया या फिर इंडो म्यांमार रीजन, इसको बोलते हैं दैट इज इंडो म्यांमार, ओके। याद रखना है आपको इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया या फिर इंडो म्यांमार। राइस और मैंगो के केस में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात और है जो यहाँ पे मिसिंग है, आपको ध्यान रखना है मैंगो और राइस में आपको क्या सिमिलैरिटी मिलेगी। एक तो उनका ओरिजिन एक है, एक ही जगह से आए हैं ये दोनों, दैट इज़ साउथ ईस्ट एशिया या फिर इंडो म्यांमार। दूसरा इनका इन्फ्लोरेसेंस,
इनकी इन्फ्लोरेसेंस भी एक जैसी है, उसको हम बोलते हैं पैनिकल। याद रखो आपने पढ़ा था राइस की इन्फ्लोरेसेंस को हम पैनिकल बोलते हैं और मैंगो की इन्फ्लोरेसेंस को भी हम पैनिकल ही बोलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ बुक में, बुक में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, फैमिली दी है एनाकार्डेसी, बिल्कुल ठीक। ओरिजन, अच्छा यहाँ पे इसका ओरिजन दिया है, ओके मुझे लगा नहीं दिया है। तो आप पता है इंडो बर्मा, इसी को हम साउथ ईस्ट एशिया भी बोलते हैं, तो यहाँ पे इंडो बर्मा बराबर है लेकिन साउथ ईस्ट एशिया भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ क्रोमोसोम नहीं दिया है, तो क्रोमोसोम पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है इसका, ठीक है। तो मैंगो जो मैंगो का क्रोमोसोम नंबर जो होता है दैट इज़ 2n = 4s = 40, यानी इसका जो क्रोमोसोम है वो है 40, 40, लेकिन इस 4x का क्या मतलब है, तो 4x आपको याद रखना है कि मैंगो जो है 2n = 4s = 40 है। 4x का मतलब है टेट्रा, जहाँ पे भी चार आता है फोर आता है दैट इज टेट्रा। तो मैंगो हमारा ऑलो टेट्रा प्लॉइड है, ठीक है। जिन्होंने हॉर्टिकल्चर की वीडियोस देखी हैं डिटेल में, मैंने हॉर्टिकल्चर के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखा है पूरा, उसमें सबसे पहले हमने जो क्रॉप डिस्कस करी वो मैंगो ही है। तो मैंगो वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस करा है, तो आपको पता होगा कि मैंगो जो है 2n = 4x = 40 होता है, जिसमें 4x का मतलब ये है कि मैंगो हमारा ऑलो टेट्राप्लॉइड है, ओके। लेकिन एक वैरायटी ऐसी है मैंगो की, आपको पता होना चाहिए, मैंगो की एक ऐसी वैरायटी है जो कि टेट्राप्लॉइड नहीं है, जो कि ऑक्टाप्लॉइड है। तो मैंगो जनरली ऑलो टेट्राप्लॉइड होता है, लेकिन एक वैरायटी ऐसी है जो कि ऑलो ऑक्टाप्लॉइड है, ऑक्टाप्लॉइड। ऑक्टा का मतलब होता है 8, यानी 2n = 8x = 80, ये है वो। और ये ऐसी कौन सी वैरायटी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैंगो की कौन सी वैरायटी है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करती है, 80 क्रोमोसोम वाली कंडीशन को फॉलो करती है। कमेंट में आंसर ज़रूर दें अगर आपने मैंगो को अच्छे से पढ़ा है। तो वेल, अब हम आ जाते हैं बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लीडिंग मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट मैक्सिमम एरिया, तो यूपी है, और आज की डेट में भी हमारा यूपी ही लीड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मैथड ऑफ मैंगो, मैंगो में कॉमर्शियली हम किस मैथड से प्रोपोगेट करते हैं, दैट इज वीनियर ग्राफ्टिंग। अभी हमने रिपेयर ग्राफ्टिंग पढ़ा था ऊपर, रिपेयर ग्राफ्टिंग किसको कहा जाता है, दैट इज ब्रिज ग्राफ्टिंग, रिपेयर ग्राफ्टिंग हम बोलते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग को। और मैंगो के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वीनियर ग्राफ्टिंग। नॉर्मल्स की स्पेसिंग कितनी रहती है, दैट इज 10x10। बहुत बड़ा पेड़ होता है, आपने देखा होगा मैंगो का प्लांट बहुत बड़ा होता है, तो उनके बीच में 10 मीटर बाय 10 मीटर की दूरी तय होती है। लेकिन यही अगर हम ग्रो करें एच डी पी में, यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में अगर हम उसको ग्रो करते हैं, तो उसकी स्पेसिंग कम हो जाएगी। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब है कि छोटे हाइट के प्लांट्स को हम कम एरिया में कम स्पेसिंग के साथ ग्रो करेंगे, दैट इज़ नोन एज हाई डेंसिटी प्लांटिंग। और वो कौन सी वैरायटी है जो हम एच डी पी में यूज़ करते हैं, दैट इज़ अमरपाली वैरायटी। स्पेसिंग यहाँ पे घट जाएगी, नॉर्मली 10x10 थी, लेकिन एच डी पी के केस में 2.5 बाय 2.5 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि एच डी पी के लिए मैंगो की कौन सी वैरायटी सुटेबल है, दैट इज़ अमरपाली, या फिर मैंगो की जो नॉर्मल स्पेसिंग है 10x10, लेकिन वही एच डी पी में कितनी स्पेसिंग रहती है, दैट इज़ 2.5 मीटर × 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ मैंगो इन इंडिया। क्वेश्चन थोड़ा अजीब हो गई इसकी इंग्लिश, क्वेश्चन होगा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ मैंगो इन इंडिया दैट इज़ अल्फांसो। अल्फांसो जो है ये कहाँ की वैरायटी है, महाराष्ट्र स्टेट की वैरायटी है, इम्पोर्टेंट है। प्लस इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, दैट इज़ स्पॉन्जी टिश्यू। आपको पता होगा मैंगो में प्रॉब्लम होती है स्पॉन्जी टिश्यू की, तो अल्फांसो जो है मोस्ट ससेप्टेबल वैरायटी है, यानी ससेप्टेबल का मतलब कि ऐसी वैरायटी जिसमें स्पॉन्जी टिश्यू लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अल्फांसो में स्पॉन्जी टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो, सबसे स्वीटेस्ट है हमारी चौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर बियरर वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो में प्रॉब्लम होती है अल्टरनेट बियरिंग। तो जनरली जो हमारे नॉर्थ इंडिया के मैंगो होते हैं उनमें ही प्रॉब्लम होती है कि उसमें अल्टरनेट बियरिंग होती है, बाकी साउथ इंडिया के मैंगो में ऐसा नहीं है, साउथ इंडिया में रेगुलर बियरिंग होती है।
तो आपको नाम याद होना चाहिए कि कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं जिनमें रेगुलर बेयरिंग होती है, जैसे रत्ना, नीलम, हिमसागर, गुलाब खास, पैरी, तोता परी। इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं रत्ना, नीलम, हिमसागर, गुलाब खास, पैरी, तोता परी। एक तो बार आप पढ़ेंगे ना याद हो जाएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। तो मैंगो की ऐसी कौन सी वैरायटी जिसमें सीड ही नहीं है, सीडलेस है, बिना बीज के, दैट इज इकलौती एक ही है, दैट इज सिंधु। सिंधु में सीडलेसनेस कंडीशन क्यों आती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं पता वो नोट करो। एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज स्टीनो स्पर्मोकार्पी, स्टीनो स्पर्मोकार्पी। आई नो बहुत बड़ा सा नाम है, बट बहुत इसका मतलब बहुत सिंपल है। स्टीनो स्पर्मोकार्पी में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, आपको पता है सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, तो स्टीनो स्पर्मोकार्पी में क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो अबॉर्ट हो जाएगा। अगर एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है उसकी वजह से क्या है कि सीड प्रॉपर नहीं बन पाएगा, तो आप कह सकते हैं कि सीड एकदम बिना बीज के ही समझ लो। कोई भी फ्रूट है अगर उसमें एम्ब्रियो अबॉर्ट होगा तो उसमें बीज बनेगा नहीं, दैट इज सीडलेस कंडीशन ही होगी। तो ये कंडीशन मैंगो में होती है और ये वैरायटी हमारी सिंधु। तो ध्यान रखना है मैंगो में इकलौती ऐसी वैरायटी है जो सीडलेस है, दैट इज सिंधु। और रीज़न बिहाइंड इज स्टीनो स्पर्मोकार्पी, यानी उसका एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा सिंधु का क्रॉस इंपॉर्टेंट है, किसके क्रॉस से बनी है ये, तो आपको क्रॉस बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा याद रखने की जैसे बहुत ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्रॉस है, दैट इज़ रास। तो रास से हम इसको याद रख सकते हैं, रास का मतलब होता है रत्ना अल्फांसो मिला सिंधु, ठीक है, आर ए एस, रत्ना अल्फांसो को क्रॉस करके बना सिंधु, रास ऐसे याद रख सकते। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज मल्लिका इज अ क्रॉस ऑफ, मल्लिका किसका क्रॉस है, दैट इज नीलम दशहरी। देखो दो चीज़ होती है, एक होता है हमारा डीएनए अमर, इस तो आई थिंक सब हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स को पता ही होगा अच्छे से, डीएनए अमर है, ठीक है। आपको पता है डीएनए के बारे में भी आप जानते हो, दैट इज एक जेनेटिक मटीरियल होता है, दो होते हैं जेनेटिक मटीरियल डीएनए आरएनए, बट सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है लोगों में ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता है, तो डीएनए अमर है। तो दशहरी नीलम बना अमर यानी अमरपाली। अगर हम इसका उल्टा कर दें, डी और एन को उल्टा कर दें, एन डी, तो एन डी एम हो जाएगा, यानी नीलम और दशहरी। देखो ये दशहरी है, ये नीलम है, दशहरी नीलम अमरपाली। अगर उल्टा कर दें, नीलम दशहरी कर दें, तो नीलम दशहरी बन जाएगा हमारा मल्लिका। तो ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में, मल्लिका किसका क्रॉस है, ठीक है, तो मल्लिका नीलम दशहरी का क्रॉस है। नेक्स्ट पूछा है अमरपाली, अभी मैंने आपको बताया डीएनए दशहरी नीलम बना अमरपाली। नेक्स्ट रत्ना, मैंने आपको पहले बताया रास, ठीक है, रत्ना अल्फांसो बना सिंधु, ओके सॉरी रत्ना का पूछा गया, सॉरी रत्ना किसका है, रत्ना है नीलम अल्फांसो। रत्ना को याद रख सकते, वैसे तो रत्ना किसी लड़की का नाम है, पर रत्ना नर है, रत्ना क्या है, नर, एन ए आर, रत्ना, रत्ना नर है, नर कैसे याद रखेंगे, नीलम अल्फांसो रत्ना, नीलम अल्फांसो बनी रत्ना, रत्ना नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु का है, सिंधु का मैंने आपको बताया रास, आर एस रास, यानी रत्ना अल्फांसो सिंधु। कैसी वैरायटी है, इकलौती ऐसी वैरायटी है जो सीडलेस है, सीडलेस वैरायटी है, रीजन बिहाइंड स्टीनो स्पर्मोकार्पी, ओके बहुत बड़ा नाम है आप याद कर लो, सीडलेस है क्योंकि स्टीनो स्पर्मोकार्पी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लावर इंडक्शन, सबसे ज़्यादा फ्लावर इंडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं पैक्लोबुट्रोजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेटर ऑफ मैंगो, मैंगो का पॉलिनेटर कौन है, तो आपको पता है मैंगो जो है वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट करता है, और जो इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर है दैट इज़ अवर हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो नोट करो। हाउस फ्लाई का कॉमन, आई मीन जो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है वो क्या है, दैट इज़ म्यूसा डोमेस्टिका, अंडरलाइन ज़रूर कर लेना क्योंकि साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है म्यूसा डोमेस्टिका, और ये इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर है हमारी मैंगो की। नेक्स्ट क्वेश्चन बियरिंग हैबिट इन मैंगो, मैंगो में जो बियरिंग हैबिट होती है, बियरिंग हैबिट का यहाँ पे मतलब है कि जो फ्लावर्स
फूल आते हैं वो कैसे आते हैं, दैट इज़ टर्मिनल आते हैं। ठीक है, टर्मिनल का मतलब आप समझ रहे हो, यानी मैंगो का जो प्लांट होता है उसमें जो फ्रूट आता है, आई मीन जो फ्लावर आते हैं, मेनली फ्लावर जो आते हैं, फ्लावर है तभी फ्रूट बनेगा। ठीक है, डॉट। लेकिन बेयरिंग हैबिट का यहाँ पे मतलब होता है फूल आने से, फ्लावर से। तो मैंगो में टर्मिनल होता है, टर्मिनल का अर्थात मतलब है ओल्ड सीजन ग्रोथ। ओल्ड सीजन ग्रोथ यानी मैंगो प्लांट में जहाँ पे ओल्ड सीजन ग्रोथ होती है वहीं पे हमारा फ्रूट्स बनते हैं, फ्लावर बनता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूट ड्रॉप इन मैंगो कंट्रोल बाय, मैंगो में फ्रूट ड्रॉप जो होता है, अगर हम एक मिनट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मुझे याद आया आपके संग डिस्कस कर लेती हूँ, दैट इज़ मैंगो की जो बियरिंग होती है वो टर्मिनल होती है। मैंने आपको टर्मिनल का मतलब भी बताया कि दैट इज़ ओल्ड सीजन ग्रोथ पे आता है फ्लावर। इसके अलावा जो मैंगो में फ्लावर होता है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फ्लावर यानी उसकी इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है, अभी मैंने आपको बताया राइस और मैंगो दो ही चीज़ें दोनों में समान है, कॉमन है, दैट इज़ इनका ओरिजिन। दोनों का जो साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडो म्यांमार में हुआ है, दोनों की इन्फ्लोरेसेंस एक ही है, दैट इज़ पैनिकल। तो इसकी जो पैनिकल है, आई मीन इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है मैंगो की, उसको हम बोलेंगे पैनिकल। अब इसमें टाइप ऑफ फ्लावर्स कैसे आते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर्स का जो टाइप है वो कौन कौन से आते हैं। तो मैंगो में आपको दो तरीके के फ्लावर्स दिखाई देते हैं, एक होते हैं मेल फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, फीमेल नहीं होगा। दूसरे होते हैं हमारे हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब इसकी इसमें हमारा फीमेल भी होगा और प्लस इसमें हमारा मेल भी होंगी, मेल और फीमेल, ये फीमेल है ये मेल है। तो मेल फीमेल दोनों अगर होते हैं उसको हम बोलेंगे हर्मेफ्रोडाइट। और एक मेल फ्लावर भी होता है जिसमें दो तरह के आपके फूल बनेंगे, मेल और हर्मेफ्रोडाइट। इस तरह के फूल को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस तरह के फूल को हम बोलते हैं एंड्रो मोनोइशियस। मैंगो जो है वो एंड्रो मोनोइशियस है, ठीक है। एंड्रो यानी एक मेल फ्लावर होगा और एक ही पेड़ में हमारे हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स भी होंगे, तो एंड्रो मोनोइशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्रूट ड्रॉप कैसे कंट्रोल करोगे, तो फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो मॉल फॉर्मेशन से इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज है मैंगो मॉल फॉर्मेशन, याद रखना है आपको मैंगो मॉल फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज है। इसको कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज NAA, दैट इज़ नेप्थलिक एसिटिक एसिड। अब आपसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैंगो मॉल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हम नेप्थलिक एसिटिक एसिड यानी NAA का यूज़ करते हैं उसका एप्लीकेशन रेट क्या है, उसका एप्लीकेशन रेट कितना है, यानी कितना एट द रेट कितना PPM हम अप्लाई करते हैं टू कंट्रोल द मैंगो मॉल फॉर्मेशन। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे किस रेट से हम अप्लाई करते हैं, कितना PPM अप्लाई करना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज स्पॉन्जी टिश्यू से है। स्पॉन्जी टिश्यू जो होता है वो किस में, आई मीन ड्यू टू कौन सा हीट इफेक्ट होता है, दैट इज कन्वेक्शन हीट इफेक्ट होता है। मैंगो में जो स्पॉन्जी टिश्यू लगता है दैट इज ड्यू टू कन्वेक्शन हीट इफेक्ट। और कौन सी वराइटी जो स्पॉन्जी टिश्यू के लिए ससेप्टेबल है, अभी हमने पढ़ा अल्फांसो ही इकलौती ऐसी वैरायटी है मैंगो की जो मैंगो में स्पॉन्जी टिश्यू के लिए ससेप्टेबल है। आगे के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं मैंगो के, दैट इज इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस। मैंगो की जो इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस होती है वो होती है हमारी बोरोन की डिफिशेंसी से। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंगो से, बट इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा और भी डिटेल है मैंगो के बारे में, बिकॉज मैंगो हमारा इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है तो इतनी डिटेल इंपॉर्टेंट थी। बट इसके अलावा कुछ और भी डिटेल है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप मैंगो की जो एक सेपरेट वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गुआवा, ठीक है। मैंगो के बाद जो इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप हमारा आता है वो आता है हमारा गुआवा, अमरूद जिसको बोलते हो, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो याद रखो उसका क्लाइमेट कैसा है, तो अगेन ये भी हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फ्रूट है। मैंगो भी ट्रॉपिकल था, गुआवा भी ट्रॉपिकल है। साइंटिफिक नेम से शुरुआत हो रही है, बोटेनिकल नेम है इसका सीडियम गुजावा, याद रखना है। इससे पहले हमने पढ़ा मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या था, मैंगो का साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा मैंजीफेरा इंडिका। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं अपना गुआवा, तो गुआवा का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, दैट इज़ सीडियम गुजावा। फैमिली की अगर बात करूँ तो उसकी फैमिली क्या है, फैमिली यहाँ लिखी नहीं है, दैट इज़
मिर्टेसी, ठीक है। फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली आपको पता होना चाहिए फैमिली क्या है। तो गुआवा की जो फैमिली है दैट इज़ मिर्टेसी। इससे पहले हमने जो मैंगो पढ़ा था, मैंगो हमारा है मैंजीफेरा इंडिका एनाकार्डेसी फैमिली, गुआवा होता है सीटियम गुजावा मिर्टेसी फैमिली। अब जो गुआवा है इसके भी कई नाम हैं, ठीक है। गुआवा के भी बहुत सारे कई नाम और हैं जो हमको पता होना चाहिए। गुआवा को हम क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। अब एप्पल तो है नहीं लेकिन इसको एप्पल ऑफ ट्रॉपिक बोला जाता है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स का एप्पल है, ठीक है। क्योंकि गुआवा एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फ्रूट है इसलिए इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एप्पल कहा जाता है। वैसे अगर हम एप्पल को देखें, अगर हम एप्पल की बात करें तो सेब जो है हमारा एप्पल वो टेम्परेट में आता है, वो ट्रॉपिकल का फ्रूट नहीं, वो टेम्परेट का है। लेकिन गुआवा तो ट्रॉपिक का है और गुआवा जो है वो ट्रॉपिक का एप्पल है, ठीक है। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स बोला जाता है इसको। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, पुअर मैंस एप्पल भी इसको कहा जाता है, गरीबों का सेब। तो आप देख सकते हैं कि गुआवा को कित हद तक हमने एप्पल के साथ तुलना करी, एप्पल के साथ कंपेयर करा है, ठीक है। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो गुआवा के दूसरे नाम क्या है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, पुअर मैन एप्पल। साइंटिफिक नेम पूछा जाए सीडियम गुजावा, फैमिली पूछी जाए मिर्टेसी, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ दिया नहीं है, वो भी हम याद करते हैं क्रोमोसोम कितना है इसका। मैंगो का हमने पढ़ा, मैंगो जो है ऑलो टेट्राप्लॉइड था, 2n = 4s = 40। गुआवा का क्रोमोसोम क्या है, तो गुआवा का क्रोमोसोम होता है 2n = 2x = 22। याद रखना है हमारा जो गुआवा है वो डिप्लॉइड है, 2n का मतलब डिप्लॉइड होता है। तो गुआवा का क्रोमोसोम आप याद रख सकते हो 22 है। और ओरिजिन भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन लिखा नहीं है तो ओरिजिन भी आप नोट करो। गुआवा कहाँ से आया है, गुआवा हमारा है ट्रॉपिकल अमेरिका। याद रखना है आपको गुआवा का ओरिजिन कहाँ है, ट्रॉपिकल अमेरिका। मैंगो तो अपने यहाँ का ही है, इंडो बर्मा, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ही बोल देते हैं उसको। लेकिन गुआवा अपना ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल अमेरिका से आया है। अब आ जाते हैं बुक की तरफ, बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो देखते हैं। तो सीडियम गुजावा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल प्लांटिंग, तो नॉर्मल स्पेसिंग जो रहती है रूट बाय रूट प्लांट स्पेसिंग जो रहती है, रूट टू प्लांट स्पेसिंग यहाँ पे रहती है 10। आपको देखा हो गुआवा का प्लांट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कैनोपी बहुत फैली हुई होती है, जैसे मैंगो में था 10x10, सेम गुआवा में भी 10x10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्शियल प्रोपोगेशन कैसे करोगे। गुआवा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एयर लेयरिंग, गुआवा के लिए हम यूज़ करते हैं एयर लेयरिंग। इसके अलावा लीची गुआवा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में एयर लेयरिंग हो रही है। और बनाना में हमने पढ़ा वीनर ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गुआवा वराइटी नोन एज सरदार, तो सरदार तो अपना एक ही है दैट इज लखनऊ 49, या शॉर्ट में इसको L49 भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डुअल पर्पज़ वराइटी, डुअल पर्पज में आता है ललित, ठीक है। डुअल पर्पज़ से यहाँ पे हमारा मतलब क्या है कि हम इसको एज नॉर्मल फ्रूट खाने के लिए और प्रोसेसिंग यानी जैम्स जेलीज जो बनता है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डुअल पर्पज, दैट इज़ ललित वराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थनोकार्पिक वराइटी कौन है, पार्थनोकार्पिक मतलब कि जिसमें बीज ना हो, सीडलेस वराइटी है, दैट इज़ अलाहाबाद राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कोहेर सफ़ेद बहुत फेमस वैरायटी है गुआवा की, किसका क्रॉस है, तो कोहेर सफ़ेद में कोहेर से कोहेर और सफ़ेद से अलाहाबाद सफ़ेद है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सफ़ेद जैम इज़ अ क्रॉस ऑफ, तो सफ़ेद जैम अभी मैंने आपको बताया कि गुआवा जैम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, जैम जेली जो प्रोडक्ट होते हैं गुआवा से बनते हैं। तो सफ़ेद जैम वैरायटी जो है इसका क्रॉस है AS, यानी AS का मतलब है हमारा वही अलाहाबाद सफ़ेदा और कोहेर का क्रॉस, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कोहेर और अलाहाबाद सफ़ेदा का क्रॉस वो हमारा क्या कहलाता है, ऊपर हम देखा दैट इज़ कोहेर सफ़ेद, अगर हम उसको उल्टा कर दें अलाहाबाद सफ़ेदा कोहेर दैट इज़ सफ़ेद जैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट टाइम ऑफ मृग बहार, मृग बहार क्या होता है। देख गुआवा में तीन टाइम में फ्लावर आता है उसको तीन बहार बोला जाता है, ठीक है, अम्बे बहार, मृग बहार और लास्ट है हमारा हस्त बहार, तीन बहार होती हैं। तो आपसे पूछा गया मृग बहार का फ्रूटिंग टाइम क्या है, फ्लावर आया फिर फ्रूट आएगा, तो फ्रूट आते हैं हमारे नवंबर जनवरी में, ये इम्पॉर्टेंट है आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा गुआवा के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है,
वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने सब चीज़ तीनों पहाड़ का डिटेल डिस्क्रिप्शन कर रखा है। अभी चलते हैं पपाया की तरफ। पपाया ओरिजिन हुआ है इसका ट्रॉपिकल अमेरिका में, ठीक है। अभी हमने आई थिंक गुआवा में भी मैंने आपको यही बताया था, तो याद रखना है गुआवा पपाया दोनों ही हमारे कहाँ के हैं, दोनों ही हमारे ट्रॉपिकल अमेरिका के फ्रूट क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और पपाया क्यों इंपॉर्टेंट है, पपाया में तो मैंने आपको विटामिन सी बताया था कि पपाया में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो है, सॉरी नॉट विटामिन सी, विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, दैट इज़ हमारा मैंगो। और मैंगो के बाद जो हमारी सेकंड क्रॉप आती है विटामिन ए में, वो आती है हमारी पपाया। तो पपाया आपको याद रखना है कि पपाया जो है इसमें सेकंड इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ विटामिन ए। इसके अलावा यहाँ पे येलो पिगमेंट का जिक्र करा है, पपाया की येलो पिगमेंट किसकी वजह से होती है, तो ये हमारी पिगमेंट होती है ज़ैंथिन, इसको बोलते हैं कैरिका ज़ैंथिन। अभी कैरिका क्यों बोला, ज़ैंथिन पिगमेंट का नाम तो ज़ैंथिन ही आपने सुना होगा, लेकिन कैरिका ज़ैंथिन क्यों? पपाया के केस में हम कैरिका शब्द यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है, आपको पता होगा पपाया का जो साइंटिफिक नाम है दैट इज़ क्या है, वो कैरिका पपाया। तो आपको याद रखना है कैरिका पपाया, साइंटिफिक नेम है पपाया का कैरिका पपाया। फैमिली क्या है इसकी, कैरी केसी, कैरी केसी फैमिली। ओके, क्रोमोसोम क्या है, 2n बराबर कितना, 2n बराबर 2x, यानी ये डिप्लॉयड है, कितना होता है, दैट इज़ 18। याद रखना है बहुत सारे क्रॉप्स का ना क्रोमोसोम 18 है। आप मुझे कमेंट में बताना, बहुत कम लोग हैं जो कमेंट में सही आंसर देते हैं, ठीक है। तो कमेंट में आपको बताना, एक क्वेश्चन तो मैंने अभी आपसे पहले ही पूछा था, मैंगो में, मैंगो में जो फ्रूट ड्रॉप होता है उसके लिए हम नैप्थलिक एसिडिक एसिड का यूज़ करते हैं, अबाउट क्वांटिटी पूछ रही, कितना ppm अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि कौन कौन से क्रॉप्स हमारे ऐसे हैं, कोई भी हो सकता है, चाहे वो फ्रूट क्रॉप हो, वेजिटेबल क्रॉप हो, चाहे वो हमारे नॉर्मल फील्ड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। कौन सी क्रॉप ऐसे हैं हमारे पास आप तक, या फिर आपने अब तक ऐसे क्रॉप्स पढ़े हैं जिनका क्रोमोसोम 18 है, ठीक है। तो कमेंट में आपको मुझे ऐसी लिस्ट बना के दिखानी है कि जिनका क्रोमोसोम 18 होता है। तो क्रोमोसोम 18 जो है, एक तो हमारा हो गया पपाया, पपाया एक तो यहीं पर है, दूसरा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ पपाया के अलावा और कौन सा है क्रॉप, दैट इज़ सिट्रस। सिट्रस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम आगे फ्रूट क्रॉप्स पढ़ेंगे तो सिट्रस हम वहीं आगे पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वाई मैंने आपको पहले से बताया है कि पपाया का क्रोमोसोम 18 है, सिट्रस का क्रोमोसोम 18 है। इन दोनों के अलावा आपको कमेंट करना है कि कौन से क्रॉप्स हैं जिनका क्रोमोसोम 18 होता है, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल हों, एनीथिंग, ठीक है। तो यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं। पपाया में येल्लो पिगमेंट कैरिका ज़ैंथिन, कैरिका क्या मतलब है वो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ पपाया, पपाया का कमर्शियल प्रोपगेशन हम करते हैं सीड से, कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे हमारे पास, कोई हम बर्डिंग ग्राफ्टिंग कुछ नहीं करते, सीड से करते हैं, वो भी 500 ग्राम, ठीक है, प्रति हेक्टेयर हम यूज़ करते हैं। अगर आपने पपाया की सीड को देखा होगा, अगर आपने पपाया की सीड देखा है तो सीड के ऊपर, सीड जो होते हैं पपाया के इस तरह काले काले होते हैं, इनके ऊपर एक जेलेटिनियस लेयर होती है, चिपचिपी सी, है ना। तो उस लेयर को क्या बोलते हैं, दैट इज सार्कोटेस्टा, सार्कोटेस्टा की वो लेयर होती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिंग से आ गया पपाया की, पपाया का आपको पता है ना पपाया से ही तो होता है छोटा सा, यहाँ पे पपाया लगते हैं, छोटा होता है, ज़्यादा जगह नहीं रहता, तो 2 मीटर में इसका काम हो जाता है, तो कम स्पेसिंग चाहिए। वहीं अगर हम बात करें अपने मैंगो गुआवा में, तो उनको 10 बाय 10 मीटर की स्पेसिंग लग रही थी, पपाया में घट गई, 2 बाय 2 मीटर रह गई है। और अगर पपाया की HDP करी, अगर हमने पपाया की HDP करी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग करी, तो स्पेसिंग और ज़्यादा घट जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेस्ट सूटेड वैरायटी फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ पपाया, देखो वही क्वेश्चन आ गया, HDP के लिए कौन सी वैरायटी सूटेबल है, दैट इज पूसा नन्ना। स्पेसिंग तो और कम हो जाएगी, नॉर्मल हम 2 मीटर लगाते हैं, तो घट के कितनी हो गई, 1.25 × 1.25 मीटर। इसके अलावा पूसा नन्ना से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये हमारी म्यूटेंट वैरायटी है, कैसी वैरायटी, म्यूटेशन से बनाई गई है, कौन सा म्यूटेशन हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है, गामा म्यूटेशन का मतलब है कि जो गामा रेज होती है हमारी, गामा रेज के थ्रू म्यूटेशन करा के ये वैरायटी बनी पूसा नन्ना। तो पूसा नन्ना हाइट में तो बहुत छोटी है, तभी हम इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज़ करें, प्लस ये म्यूटेंट वैरायटी है जो म्यूटेशन से बनी, गामा म्यूटेशन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाईएस्ट पपीन यील्डिंग वैरायटी। पपीन क्या होता है, अब आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो पपीन के बारे में हम बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है हाईएस्ट पपीन यील्डिंग वैरायटी, सबसे ज़्यादा पपीन किस वैरायटी में पाया जाता है, दैट इज़ पूसा मजेस्टी। याद रखना है सबसे ज़्यादा पपीन हाईएस्ट जो होता है हमारी वो पूसा मजेस्टी वैरायटी में होता है, इम्पॉर्टेंट है। पपीन क्या होता है मैं आपको बता दें, पपीन एक तरह का क्या होता है, जो हमारा पपाया ग्रीन कलर का होता है, पेड़ में लगा है ग्रीन कलर का है, इमेच्योर थोड़ा, मतलब मेच्योर हो चुका है बट पूरी तरह से वो राइपन नहीं हुआ है, ठीक है। उस स्टेज में अगर हम उसको कट लगाएंगे तो उसमें से कुछ वाइट मिल्की सब्सटेंस रिलीज होता है, याद रखना वाइट मिल्की सब्सटेंस रिलीज होगा जिसको बोलेंगे हम पपेन, दैट इज नोन एज पपेन। तो ये ध्यान रखना है आपको पपेन क्या होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है पपेन के बारे में, दैट इज़ जो पपेन होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो पपेन का जो हम यूज़ करते हैं वो हम जनरली कहाँ करते हैं, मीट टेंडराइजेशन में हम उसका यूज़ करते हैं, इसके अलावा और भी हमारे इम्पॉर्टेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ हैं पपेन के जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा पपेन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है पैप्सिन, पपेन का जो एंजाइम है वो इम्पॉर्टेंट है, पपेन में जो एंजाइम है उसको बोलते हैं पैप्सिन एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा ओके इतने पॉइंट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ये एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, क्वेश्चन है ये कि हाईएस्ट पपेन यील्डिंग वैरायटी तो पूसा मजेस्टी प्लस एक ग्लॉस्टर्स हॉर्टिकल्चर की बुक में मैंने पढ़ा था वहाँ पे CO5 होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है CO5 इस तरह से लिखा होता है, ठीक है, CO5 या CO5 जो भी आपको बोलना है। तो पूसा मजेस्टी है प्लस CO5 वैरायटी है जिसमें हाईएस्ट पपेन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा डिलीशियस पूसा मजेस्टी CO3, ये CO3 ऐसे नहीं लिखा जाता, CO3 ये है, ठीक है, जैसे मैंने CO5 लिखा था वैसे CO3। एंड कॉर्क हनी ड्यू ये कैसी वैरायटी है, ये हमारी गाइनोडाइनेशियस वैरायटी है। पपीता में आपको पता होगा दो तरह की वैरायटी होती हैं, एक होती हैं डाइशियस वैरायटीज और दूसरी हमारी होती हैं गाइनोडाइशियस वैरायटी, गाइनोडाइशियस वैरायटीज, ठीक है। तो गाइनोडाइशियस में हमारा आता है पूसा डिलीशियस पूसा मजेस्टी, मजेस्टी भी हम देगा पपीन ज़्यादा होता है उसमें, इसके अलावा CO3 कॉर्क हनी ड्यू ये गाइनोडाइशियस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरस डिसीज़, एक ही है हमारी डैम्पिंग ऑफ किसकी वजह से होती है, फंगस है हमारी पीथियम। ये तो अभी आपने जब इससे पहले वाला वीडियो देखा था ना डिसीजेज वाला, उसमें ही हमने डिस्कस करा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पे हमने फूड क्रॉप्स की वेजिटेबल क्रॉप्स की बहुत सारी डिसीजेज डिस्कस करी थी साइंटिफिक नेम के साथ, वो वीडियो भी आप देख लेना। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम पपाया में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रूटिंग टाइम ऑफ पपाया, फ्रूट यानी फल कब लगते हैं इसमें, फरवरी मार्च में फ्रूट लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द केमिकल यूज्ड फॉर बेटर कलर इन कीपिंग क्वालिटी ऑफ पपेन, तो पपेन की क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं केमिकल, दैट इज़ KMS। KMS का मतलब होता है पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइट, दैट इज़ पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइट KMS का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम प्रेजेंट इन डायलेटिक्स ऑफ पपाया पपेन पेप्सिन, ठीक है। तो पपाया की जो डायलेटिक्स है उसमें पेप्सिन पाया जाता है, यही वही पपेन में पाया जाता है। पपेन कैसे निकालते हैं, डायलेटिक्स से ही तो निकालते हैं, दैट इज़ वही आंसर, वही क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूसा नन्ना पूसा जाइंट, ये कौन सी वैरायटी है, तो ये हमारी डाइशियस वैरायटी, अभी हमने देखा गाइनोडाइशियस वैरायटी और डाइशियस वैरायटी, तो डाइशियस में हमारा आएगा पूसा ड्वार्फ, ठीक है। पूसा जाइंट, अगर हम पूसा जाइंट बोले तो हमारा गाइनोडाइशियस है, पूसा मजेस्टिक गाइनोडाइशियस है, लेकिन पूसा ड्वार्फ है, डी फॉर ड्वार्फ डी फॉर डाइशियस, पूसा नन्ना ये भी छोटा सा है डाइशियस, ठीक है। पूसा जाइंट ओके, पूसा जाइंट अभी हमारा डाइशियस है। तो ये वैरायटी की नेम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, पूसा ड्वार्फ और पूसा जाइंट, ड्वार्फ है जाइंट है नन्ना, ये हमारे डाइशियस पपाया हो गए। और गाइनोडाइशियस में हमारे तक पूसा डेलीशियस पूसा मजेस्टी CO3 कॉर्क हनी ड्यू। नेक्स्ट हमारी क्रॉप आती है पोमीग्रेनेट, ओके। तो हम आते हैं पोमीग्रेनेट की तरफ, पोमीग्रेनेट जिसको हम अनार बोलते हैं हिंदी में कॉमनली, पोमीग्रेनेट अनार
इसके अलावा पोमीग्रेनेट के दूसरे नाम देख लेते हैं, पोमीग्रेनेट ऑल्सो नोन एज फ्रूट ऑफ पैराडाइज, पोमीग्रेनेट को फ्रूट ऑफ पैराडाइज बोला गया है, और नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान, नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान, ईरान का नेशनल फ्रूट है पोमीग्रेनेट, याद रखना है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया बोटानिकल नेम क्या है, दैट इज पुनिका ग्रेनेटम। बाकी इसका कुछ फैमिली क्रोमोसोम कुछ नहीं दिया है, वो आप नोट करो। पुनिका ग्रेनेटम साइंटिफिक नेम, पुनिका से याद रखो पुनी, पुनिकेसी, पुनिकेसी फैमिली। क्रोमोसोम की बात करें तो 2N बराबर 2X, यानी डिप्लॉयड है ये, 2X है तो बराबर कितना 16 होता है क्रोमोसोम, ठीक है सबका याद रखो। मैंगो 40 था, ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा पपाया वो था हमारा 18, और पुनिका यानी पोमीग्रेनेट हमारा 16। ओरिजिन कहाँ पे हुआ है इसका, अभी मैंने आपको बताया इसका जो नाम, ये नेशनल फ्रूट है वो ईरान का है, तो इसका ओरिजिन जो है वो ईरानी है, ठीक है, इसका ओरिजिन हम ईरान है, या फिर हम बोल सकते हैं साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया में ईरानी आता है हमारा। ईरान का पुराना नाम क्या था, ईरान को पहले के टाइम पे पर्शिया बोलते थे, तो पर्शिया भी याद रख लो, कहीं पर्शिया भी लिख सकते हैं लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन, नॉर्मल प्लांट स्पेसिंग हमारी 6x6 मीटर रहती है, यहाँ पे कॉमर्शियल प्रोपगेशन करते हैं एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग से हमने कहाँ कहाँ प्रोपगेशन करा है, गुआवा में प्लस पोमीग्रेनेट में, ये कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं ना फैक्ट वाले, आप अलग से नोट करो कि कहाँ कहाँ पर हम एयर लेयरिंग करते हैं, गुआवा पोमीग्रेनेट प्लस हमारा लीची, लीची में भी हम एयर लेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड वैरायटी, अमली दाना इसकी हाइब्रिड वैरायटी है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है इसकी गणेशन ढोलका, फ्रूट क्रैकिंग मोस्ट प्रोबेबल इन मृग बहार, पोमीग्रेनेट में भी 3 बहार हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रूट क्रैकिंग होती है मृग बहार में ड्यू टू द बोरोन डेफिशिएंसी, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और बात याद करते हैं पोमीग्रेनेट के बारे में, कि हम इसका कौन सा पार्ट खाते हैं, एडिबल पार्ट क्या है इसका, यानी पोमीग्रेनेट में पूरे पोमीग्रेनेट में जो खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एरिल, पोमीग्रेनेट का जो हिस्सा हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं एरिल। इसके अलावा लीची, लीची का जो हम हिस्सा खाते हैं वो भी हमारा एरिल ही होता है, तो आप याद रख लें पोमीग्रेनेट और लीची दोनों का हम एरिल खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है पोमीग्रेनेट, जो हमारा क्रॉस पोलिनेटेड है, और यहाँ पे जो क्रॉस पोलिनेशन होता है अगेन वो इंसेक्ट के थ्रू ही होता है, किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, और यहाँ पे हम जो इंसेक्ट का देखते हैं दैट इज़ हनी बी, ठीक है, हनी बी, शहद, शहद वाली मक्खी जो हमारी हनी बी, उसके थ्रू यहाँ पोलिनेशन होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पोमीग्रेनेट के बारे में, जो कि यहाँ पे बहुत लिमिटेड था। अब आ गए हैं अपने इंपॉर्टेंट क्रॉप दूसरे में, सॉरी पाँचवें पे, दैट इज़ सिट्रस। सिट्रस का साइंटिफिक नेम बहुत सारा है, सिट्रस को साइंटिफिक नेम है, हम सिट्रस स्पीशीज़ लिखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सिट्रस के ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, तो सिट्रस में आपको पता होगा बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इसलिए हम उसको सिट्रस स्पीशीज़ लिख देते हैं बजाय उसका पूरा साइंटिफिक नेम लिख के। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर साइंटिफिक नेम्स पढ़ने, तो यहाँ पे शुरुआत हुई सबसे पहले एसिड लाइम के साथ, ओके, तो याद रखना है एसिड लाइम का साइंटिफिक नेम होता है हमारा सिट्रस ओरेंटिफोलिया, दैट इज सिट्रस ओरेंटिफोलिया इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ एसिड लाइम, ये हमारा एसिड लाइम का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अगर बात करें हम जो सिट्रस है उसकी नॉर्मल, अगर हम उसकी फैमिली की बात करें तो सिट्रस की फैमिली होती है रूटेसी, सिट्रस की फैमिली होगी रूटेसी। क्रोमोसोम इसका कितना होता है, अभी तो मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको पपाया पढ़ाया था अभी ऊपर, पपाया के साथ में लिखा था पपाया और सिट्रस दोनों का क्रोमोसोम हमारा कितना होता है, 18 होता है। और ये आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आप मुझे अदर नेम्स बताएंगे, अदर क्रॉप्स के नाम बताएंगे जिनका क्रोमोसोम 18 होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फूड क्रॉप्स या वेजिटेबल क्रॉप्स या अदर क्रॉप्स ऐसे हैं जिनका क्रोमोसोम 18 है, पपाया और सिट्रस के अलावा बहुत हैं, तो आप कमेंट करना। यहाँ पे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट फ्रूट इज, ब्रेकफास्ट फ्रूट किसको बोला जाता है, दैट इज़ ग्रेप फ्रूट। अभी ग्रेप फ्रूट में आप ग्रेप यानी अंगूर मत समझना, ग्रेप फ्रूट इसी का एक ग्रुप है जिसका साइंटिफिक नेम है सिट्रस पैराडिस, ओके। स्वीट लाइम का साइंटिफिक नेम क्या है, स्वीट लाइम का होता है सिट्रस साइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिट्रस स्पीशीज नोन एज फैंसी फ्रूट, तो फैंसी फ्रूट बोला जाता है हमारा सिट्रस रेटिकुलेट को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नलेस स्पीशीज ऑफ सिट्रस। थॉर्नलेस आपने सबने देखा होगा, जनरली जिनके घर में लगा है सिट्रस उन्होंने देखा होगा उसमें कांटे लगे होते हैं, थॉर्न होते हैं। लेकिन कोई ऐसा सिट्रस भी जिसमें थॉर्न्स ना हो, थॉर्नलेस हो, दैट इज टहीटी लाइम सिट्रस लैटिफोलिया, उसका साइंटिफिक नेम है, याद रखना इसमें थॉर्न्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीशीज ऑफ सिट्रस। मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीशीज में आती है हमारी पोमेलो। अब सिट्रस जो है जनरली वो मोनो एम्ब्रियोनिक है नहीं, सिट्रस डाइकॉट में आता है। सिट्रस के अपने पत्ते देखे होंगे ऐसे होते हैं, तो ये पत्ते जो होते हैं पहचान है डाइकॉट की। तो सिट्रस डाइकॉट ही है, मोनोकॉट है नहीं, बट एक स्पीशीज है सिट्रस की जो मोनोकॉट है। मोनोकॉट का मतलब पत्ते ऐसे होंगे पैरेलल विनेशन वाले, तो वो है हमारा पोमेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीएम्ब्रियोनिक सिट्रस स्पीशीज। तो पॉलीएम्ब्रियोनिक में आता है हमारा एसिड लाइम। पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या होता है? पॉलीएम्ब्रियोनिक माने मैनी एम्ब्रियो, पॉली माने मैनी और एम्ब्रियो माने एम्ब्रियो, जब बहुत सारे एम्ब्रियो, जब एक सीड है हमारा, एक सीड से बहुत सारे एम्ब्रियो ग्रो होने लगते हैं, उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनिक। ओके, और ये पॉलीएम्ब्रियोनिक की कंडीशन हमारे किन किन फ्रूट्स में पाई जाती है? तो पूरे हॉर्टिकल्चर में आप देखो सिर्फ तीन फ्रूट क्रॉप्स हैं हमारे पास जिसमें पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन पाई जाती है। एक तो सिट्रस में पाई जाती है, अब सिट्रस में भी सब में नहीं मिलती, सिट्रस में सिर्फ एसिड लाइम में ही मिलती है। इसके अलावा मैंगो, मैंगो में भी पॉलीएम्ब्रियोनिक देखने को मिलती है। इसके अलावा जामुन, सिट्रस मैंगो जामुन, इन तीन में आपको पॉलीएम्ब्रियोनिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्पीशीज ऑफ सिट्रस प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स। बिना बीज वाले फल किसमें आते हैं? दैट इज तहीटी लाइम। देखो तहीटी लाइम को याद होगा उसमें कांटे नहीं होते, बीज भी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल प्लांट स्पेसिंग इसकी है 5x6, मतलब 5x6x5x6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल प्रोपेगेशन इसका कैसे कर सकते हैं? सीड और बर्डिंग से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट स्टॉक मैंडरिन ऑरेंज के लिए, मैंडरिन ऑरेंज के लिए हम यूज़ करते हैं रंगपुर लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मेथड ऑफ इरीगेशन, दैट इज़ रिंग मेथड। जनरली फ्रूट क्रॉप से हम रिंग मेथड ही यूज़ करते हैं। रिंग मेथड में क्या होता है, ये आपका प्लांट है, इसके इर्द गिर्द हम एक रिंग बनाएंगे और उस रिंग में हम पानी देंगे, रिंग मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किनोव इज़ अ क्रॉस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है हमारी मैंडरिन की। किनोव जो है किसका क्रॉस है? किनोव यानी किंग ऑफ विलो लीफ का क्रॉस है। सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंडरिन, मैंडरिन की सीडलेस वेराइटी है सत्सुमा, सत्सुमा मैंडरिन जो कि जापान की वेराइटी है, याद रखनी है, नाम से समझ में आ रहा है सत्सुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ सीडलेस इज अ वेराइटी ऑफ, लखनऊ सीडलेस किसकी वेराइटी है? लेमन, नींबू की वेराइटी है। एक हमने पढ़ा था लखनऊ 49 L49 जो कि गुआवा की वेराइटी है, और लखनऊ सीडलेस लेमन की वेराइटी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बनाना के बारे में, अदर फ्रूट क्रॉप्स और वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो में हमने बस ये जो हमारी क्रॉप थी सिट्रस यहीं तक कवर करा है। इसके आगे के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, पार्ट टू में। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और मैंने वीडियो में जितने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर जरूर कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।